टुडे टॉपिक इज अबाउट रिब्स। आज विराट में गीता लेक्चर है रिब्स के बारे में कि रिब्स कैसे कहते हैं, इसके टाइप्स कहते हैं, इसकी स्ट्रक्चर, इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन कितनी है, टिपिकल है, एटिपिकल्स है, और फिर उसके बाद टाइप्स कितने हैं, ग्रूव है, पार्स है एंड फ्लोटिंग रिब्स है। तो आज इस वीडियो में इंशाल्लाह इसको कवर करते हैं। पहले आते हैं कि रिब्स है क्या। रिब्स हम कहते हैं कि रिब्स क्या है, एलांगेट है। एलांगेट क्यों है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर यहाँ से अगर पोस्टीरियरली स्टार्ट हो जाए तो इंटीरियरली इस तरह आता है इसका स्ट्रक्चर, सही स्टर्नल होता है और इसके बाद पीछे वट एवर आना होता है। तो इट्स एलांगेट एंड लिटल। लिटल हम कहते हैं कि चिपका हुआ एंड आर्च बोन, क्योंकि ये कवर है, आर्च बोन इसलिए भी कहते हैं कर्व बोन। कर्व बोन क्यों है, क्योंकि यहाँ इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह कवर होता है, मतलब इस तरह मोड़ता है, इस तरह सी स्ट्रक्चर इस तरह, तो इसको हम कहते हैं कर्व बोन। इसकी प्रॉपर्टी से साइड दैट फॉर्म मोस्ट पार्ट ऑफ द थोरैकिक वॉल, रिब्स भी है ना, वो मोस्ट पार्ट ऑफ द थोरैकिक वॉल कौन बनाता है, रिब्स बनाता है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा क्या होता है, रिब्स होते हैं। रिब्स इट कंटेन हाईली विस्कुलर कैल्सीवियस बोन्स। ये सीरियस बोन्स क्या होते हैं कि इट्स अ नेटवर्क ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू। टिश्यू की टाइप्स की तरफ हम नहीं जाते, लेकिन ये क्या होता है, स्पॉन्जी टिश्यू होता है इसमें, सही। सो इट इज कंटेन हाईली विस्कुलर कैल्सीवियस बोन्स होता है। फिर कितनी पेयर्स है रिब्स की, सो बोथ मेल एंड फीमेल इज फिफ्थ पेयर ऑफ रिब्स। मतलब कोई भी इंसान हो, चाहे मर्द या औरत दोनों हो, तो उसमें क्या होते हैं, फिल पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, फिल्स नहीं है, ट्विन पेयर्स होते हैं, क्योंकि ट्विन्स एक साइड पर होते हैं और ट्विन दूसरे साइड पर होते हैं। मीन्स 24 टोटल 22 रिब्स होते हैं, ट्विन एक साइड पर होते हैं और ट्विन दूसरे साइड पर होते हैं। सो इट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ रिब्स। फिर उसके बाद इसकी आर्टिकुलेशन की तरफ आते हैं कि ये किस किस के साथ जॉइंट बनाता है। सो आर्टिकुलेशन की तरफ आते हैं, बस आर्टिकुलेशन है कि इट आर्टिकुलेट विद पोस्टीरियरली विद वर्टेब्रा, जो वर्टेब्रल कॉलम है इस तरह, वर्टेब्रल कॉलम अगर हम बनाए इसके साथ क्या होगा, वर्टेब्रल कॉलम एंड इसके साथ ये क्या है, डिस्क है, इंटर वर्टेब्रल डिस्क है, इस तरह पोस्टीरियरली इट आर्टिकुलेट विद वर्टेब्रा। अगर आर्टिकुलेशन ही कंप्लीट पेसेट के साथ करता है, अगर ही आर्टिकुलेशन कंप्लीट पेसेट अगर पूरा वर्टेब्रे के साथ ही आर्टिकुलेशन करते हैं, मतलब ये एक रिब्स आता है पोस्टीरियरली रिब्स। सो अगर ही कंप्लीट पेसेट के साथ आर्टिकुलेशन करता है, फिर उसको हम कहते हैं कि क्या है, इट्स सम प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम अदर रिब्स, इट्स कॉल्ड एटिपिकल रिब्स। अगर इसके साथ हाफ हाफ डिमी पेसेट अगर सर आर्टिकुलेशन कर ले, हाफ इसके साथ और हाफ दूसरे के साथ, तो फिर ये क्या बनाता है, डिमी पेसेट बनाता है, हाफ हाफ हाफ, सही। तो इसको हम कहते हैं कि डिमी पेसेट, एंड डिमी पेसेट हम किसके डिग्री में रखते हैं, कि ये क्या है, टिपिकल रिब्स। सो पोस्टीरियरली रिब्स आर्टिकुलेट विद द वर्टेब्रा एंड इंटीरियरली वेरिएबल आर्टिकुलेशन दैट अलाउ रिब्स टू बी कैटेगराइज इनटू ट्रू रिब्स, पास रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। इंटीरियरली क्या करता है कि ये वेरिएबल रिलेशन किसके साथ है, स्टर्नम के साथ है, मतलब कुछ डायरेक्टली कनेक्टेड है स्टर्नम के साथ, कुछ इनडायरेक्टली कनेक्टेड है और कुछ बिल्कुल कनेक्टेड ही नहीं है। इस बुनियाद पर इसको हम कैटेगराइज करते हैं थ्री टाइप्स में, इसको हम कहते हैं ट्रू रिब्स, पास रिब्स एंड थर्ड इसका फ्लोटिंग रिब्स। अच्छा, तो ट्रू रिब्स टाइप्स ऑफ रिब्स हम पढ़ते हैं, क्या टाइप्स ऑफ रिब्स हुए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकुलेशन विद स्टर्नम हम अगर कैटेगराइज करें तो इसको हम कहते हैं बस ट्रू रिब्स, सेकंड इज कॉल्ड पार्स एंड थर्ड इज कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। अच्छा, ट्रू रिब्स कैसे कहते हैं कि इन विच दोज रिब्स विच आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम,
मतलब जब जो पोस्टल कर्टिलेज होता है अगर वो डायरेक्टली आर्टिकुलेशन करे किसके साथ, स्टर्नम के साथ, तो उसको हम कहते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स कौन कौन से हैं? प्रपस टू सेवन रिब्स आर ट्रू रिब्स, सेवन जो वन से लेकर सेवन तक होते हैं रिब्स, ये बात। तो इसको हम कैटेगराइज करते हैं कि क्या है ट्रू रिब्स है। क्यों ट्रू रिब्स है? क्योंकि इसकी अगर ये क्वेश्चन कर्टिलेज है, स्ट्रक्चर की तरफ बात है कि रिब्स के स्ट्रक्चर भी हम पढ़ते हैं कि अगर ये क्वेश्चन कर्टिलेज है, कर्टिलेज कैसे हैं कि ये बियर आप कर्टिलेज है, इसमें कर्टिलेज होता है, कर्टिलेज टाइप एक खास किस्म का सॉफ्ट बोन होता है, ये आर्टिकुलेट करने के साथ साथ स्टर्नम के साथ। अगर ये स्टर्नम है, हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टर्नम की ऑलरेडी अपलोड की है, वो आप देखते हैं कि स्टर्नम के पार्ट्स होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं, मेनोफ्रेम, बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड स्पाइनल प्रोसेस। अगर ये डायरेक्टली आर्टिकुलेट करें किसके साथ, स्टर्नम के साथ, तो फिर उसको हम कैटेगराइज करते हैं कि ये क्या है टू रिब्स, सही। एंड दूसरा है पार्स रिब्स। पार्स रिब्स कौन से हैं? दोस टाइप्स ऑफ रिब्स इन विच द कोस्टल कार्टिलेज आर कंबाइंड एंड अटैच विद सेवन कोस्टल कार्टिलेज। अगर इसमें पार्स रिब्स में कौन से होते हैं? अगर ये होता है रिब्स, अगर इसके कोस्टल कार्टिलेज इसके साथ अटैच हो जाए, सेवन रिब्स ऑफ कोस्टल कार्टिलेज इसके साथ अटैच हो जाए, सही। अगर सेवन रिब्स के कोस्टल कार्टिलेज के साथ ही अटैच हो जाए, तो फिर उस अटैचमेंट के साथ ही क्या हो जाए, स्टर्नम के साथ कनेक्टेड हो जाए, फिर उसको हम कहते हैं पार्स रिब्स। इस तरह अगर हम देखें यू फॉर एग्जाम्पल ये सेवन रिब्स की वाला जो मैंने बनाए हैं, सही। अगर हम ले दें एट वाले भी देख लें, फिर उसके बाद नाइन वाले एंड टेन वाले, सही। इस तरह अगर रिब्स है तो इसके क्या है क्वेश्चन कर्टिलेज के कारण है कि यहाँ पर इनडायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते स्टर्नम के साथ, यहाँ पर कंबाइन होकर सेवन क्वेश्चन कर्टिलेज के साथ ही क्या होते हैं अटैच होता है। इस तरह अगर इस तरह अटैच हो जाए तो फिर उस अटैचमेंट से साथ सेवन क्वेश्चन कर्टिलेज के साथ जब अटैचमेंट हो जाए, इस क्वेश्चन कर्टिलेज सेवन एट नाइन टेन रिब्स की क्वेश्चन कर्टिलेज आर्टिकुलेट कर लेंगे इसके साथ सेवन रिब्स ऑफ क्वेश्चन कर्टिलेज, वो फिर अटैच हो जाए किसके साथ, स्टर्नम के साथ, फिर उसको हम कहते हैं कि क्या है इनडायरेक्टली कनेक्टेड है विद स्टर्नम, क्योंकि ये खुद डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो दूसरे की मदद की वजह से उसके साथ क्या है कनेक्टेड है। तो इस बिना पर हम इसको कहते हैं कि क्या है पार्स रिब्स है। वो कौन कौन से सेवन एट नाइन टेन पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, ये क्या है कैटेगराइज है क्या है पार्स रिब्स है। कौन पेयर कौन कौन से पेयर एट नाइनटीन पेयर ऑफ रिब्स जो है वो क्या है पार्स रिब्स है। फिर उसके बाद आते हैं फ्लोटिंग रिब्स के, वो बिल्कुल ही कनेक्टेड नहीं होते किसके साथ, स्टर्नम के साथ। वो कौन से हैं? 11 एंड 12 पेयर ऑफ रिब्स, सही। इसके कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट है फ्रॉम अदर रिब्स, उसको हम डिस्कस करते हैं कि क्या है टिपिकल रिब्स है कि एटिपिकल रिब्स है, उसको भी डिस्कस करते हैं। फिर इसके साथ स्ट्रक्चर्स का डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं इसकी टिपिकल है कि एटिपिकल रिब्स है, और टिपिकल की प्रॉपर्टीज कौन से होंगे और एटिपिकल के प्रॉपर्टीज कौन से होंगे। अच्छा ये तो हो गया टाइप्स ऑफ रिब्स, ये तो हो गया जनरली बातें। फिर उसके बाद अब स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि इसके स्ट्रक्चर रिब्स के स्ट्रक्चर किस तरह बनते हैं, क्या रिब्स किस तरह है, इसके कौन कौन से पार्ट है और कौन कौन से पार्ट का कौन कौन सा फंक्शन है, वो भी डिस्कस करते हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।